हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से निकालो, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखो हमें क्या दिया है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात इस क्वेश्चन में, मैंने जब भी बोला था, जब भी इसे चार पांच टर्म दे रखे हो, कॉस के या साइन के या फिर बहुत सारी बड़ी सीरीज रखी हो, सबसे पहला हमारा फोकस कहां जाना चाहिए, एंगल्स पे। तो देखो इधर पाई बाय 8 है, इधर 7 पाई बाय 8 है। तो याद है हमने इस टाइप का एग्जांपल कुछ दिन पहले किया था, दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनका सम पाई है, तो इसका मतलब इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 7 पाई बाय 8। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस की पावर 4 इंटू पाई माइनस पाई बाय 8, क्लियर है। विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू cos of pi minus theta, minus cos theta होता है, but since the power is even, therefore it will be cos of pi by 8 only to the power 4. क्योंकि ऐसे लिखोगे ना, minus cos pi by 8, minus cos pi by 8, minus cos pi by 8 चार बार, तो minus nullify हो जाएगा। Similarly, see these two angles. देखो ध्यान से, ये भी एक दूसरे का supplementary है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इस वाले को लिख सकता हूँ cos of pi minus 3 pi by 8 और पावर 4 है, विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट सिंस द पावर इज इवन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8। यहां तक क्लियर है? चलो, तो कहने का मतलब ये और आखिरी टर्म सेम लिखी है, ये दोनों सेम लिखे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ कॉस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8, ठीक है ना। क्योंकि पहला और लास्ट टर्म बराबर है, दूसरा और तीसरा टर्म बराबर है, तो मैंने ट्वाइस ट्वाइस करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो पाई बाय 8 तो मुझे नहीं पता, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बिकॉज पाई बाय 8 क्या होगा, पाई बाय 4 का आधा मतलब 45 का आधा, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो डेफिनेटली फिर मैं इसको क्या कोशिश करूंगा, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा, कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta, तो मेरा 2 theta में कन्वर्ट हो जाएगा, और twice of pi by 4 is known, because that is pi by 4, और cos pi by 4 तो हमें बहुत अच्छे से पता है, 1 by root 2 होता है। तो कहने का मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसको, पहले तो ये 2 दिया है, ये cos की पावर 4 है, इसको स्क्वायर करके लिखना है, तो मैंने क्या किया, एक 1 by 2, देखना ध्यान से, 1 by 2, और इधर आ जाएगा 4, तो 4 को इसके साथ क्लब कर रहा हूं, लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर, देखो एग्जैक्टली सेम लिखा है कि नहीं, ये हाफ है, इधर क्या जाएगा 4 cos की पावर 4, तो 4 से 2 कैंसिल, तो 2 टाइम्स cos की पावर 4। सिमिलरली आई विल डू हियर 1 बाय 2, और इधर लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का स्क्वायर, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, थोड़ा सा मैंने बस टर्म्स को इधर उधर किया है, क्लियर है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta, so that ये pi by 8 किस में कन्वर्ट हो जाए, pi by 4, और ये 3 pi by 8 किस में कन्वर्ट हो जाए, 3 pi by 4, और दोनों के कोसाइन भी नो, ठीक है। तो हाफ टाइम्स, अब देखना 1 plus cos 2 theta, तो twice of pi by 8 is pi by 4, तो pi by 4 इसका स्क्वायर, प्लस हाफ टाइम्स 1 plus cos 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, सॉरी हाँ 3 पाई बाय 4 इसका स्क्वायर, बस अब तो नोन एंगल्स में कन्वर्ट हो गए, अब तो हमारी कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, निकाल लेते हैं। तो हाफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 इसका स्क्वायर, प्लस 1 बाय 2 टाइम्स 1, अब इस कॉस 3 पाई बाय 4, या तो ऐसे लिख लो पहले एक स्टेप, पाई माइनस पाई बाय 4, फिर वो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4, तो मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस इज माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस 3 पाई बाय 4 को या तो ऐसे लिख लो पहले कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सो दिस विल बी माइनस कॉस पाई बाय 4 विच इज माइनस 1 बाय रूट 2। अब ओपन कर देते हैं इसको, तो देखो मैं इधर कर रहा हूं 1 बाय 2 टाइम्स, इधर आएगा, चलो 1 बाय 2 कॉमन ले लेता हूं मैं पूरे में से, ठीक है ना। तो इधर इधर क्या बचेगा, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इज रूट 2। अब दूसरे ब्रैकेट में 1 ए स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 माइनस रूट 2, ये दूसरे ब्रैकेट में, ये ऐसे लगा दिया,
अब देखो ये रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, और एक हाफ आगे लिखा है, तो आंसर इज थ्री बाय टू। एक इंटीजर आ गया हमारा, ठीक है ना। तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इंटीजर टाइप, ठीक है ना। हालांकि इंटीजर एडवांस में आने के लिए तो अभी उतना दमदार नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी ठीक है, मतलब एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो एक काम करते हैं, पहले अपन क्वेश्चन करने के पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और टॉपिक क्या है, मैंने कल बताया भी था तुम लोगों को, आज हम करने वाले हैं जो एंगल्स होते हैं ना कुछ, जैसे 22.5 डिग्री, 18 डिग्री, उन सब की वैल्यूज निकालना। और उसमें फॉर्मूले कौन से यूज होंगे हमारे, कल के क्लास वाले, ठीक है ना, कॉस टू थीटा वाले, साइन टू थीटा वाले, वो सब फॉर्मूले यूज होंगे। तो टॉपिक का नाम लिख लेते पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम टिपिकल एंगल, ऑफ सम टिपिकल एंगल, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो 9-10 तक पढ़ते हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इतना ही पढ़ते हैं। बट अब से हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या क्या और हो जाएगा, उस टेबल में कुछ कुछ ऐड हो जाएंगे, जिसमें हम एक एंगल तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 15 डिग्री, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, 15 डिग्री। तो पहला तो हो गया हमारा 15 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। देखो मैं कराऊंगा तो अभी ज्यादा थोड़ा, बट याद क्या रखना है वो मैं एट द टाइम बताते जाऊंगा, ठीक है ना। कराने के लिए मैं अभी थोड़े ज्यादा ही कराऊंगा, कुछ एंगल जैसे 7.5 डिग्री भी कराऊंगा, 22.5 वगैरह भी कराएंगे, बट याद रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बॉक्स करके रख लेंगे, ठीक है। हर एक वैल्यू याद नहीं रखनी, जो मैं बोलूंगा उतना ही याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डेरिवेशन सबका आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगर आ जाता है एग्जाम में, इनकेस, वैसे तो कभी आएगा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, कि मतलब जैसे इस टाइप की चीज कभी नहीं आएगी, cos 7.5 डिग्री की वैल्यू कभी याद नहीं रखना, बट इसका डेरिवेशन वगैरह हम सब देखेंगे अभी सारी चीजें, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा एक बार, और जो मैं बॉक्स में रखूंगा दैट यू हैव टू मेमोराइज, और एक बार आखिरी में लिस्ट कर लूंगा जो जो हमें वैल्यूज याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम 30, 60, 45, 90, ठीक है। चलो तो हम 15 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है, ये दो याद रखना। चलो पहले 15 का ही डिस्कशन करते हैं। तो 15 के लिए बताया था तुम लोगों को, जैसे मैंने बोला साइन 15 डिग्री निकालना है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज अ रिवीजन फॉर यू। 15 को कैसे लिखेंगे हम, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और वो ऐसे एंगल होना चाहिए जिनका मुझे साइन कोसाइन वगैरह पता हो, सो दैट आई कैन अप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 45, या फिर 45 माइनस 30, दोनों किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने पहले वाले तरीके से लिखा, तो दिस इज साइन ऑफ 60 माइनस 45, ठीक है। तो अब इधर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करते हैं, साइन 60 इज रूट 3/2, कॉस 45 इज 1/√2, माइनस कॉस 60 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2। तो फाइनली यू आर गेटिंग रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2√2, दिस इज वॉट माई साइन 15 डिग्री। तो ये हमें एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, साइन 15। उसके बाद आते हैं हम कॉस 15 पे, कॉस ऑफ 15 डिग्री। तो अगेन क्या करेंगे हम कॉस 15 निकालने के लिए, देखो अब दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, ऐसे भी कर सकते हैं, उस टाइम मैंने ये नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस होता है, बट हमें पता है ना 15 डिग्री है, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव ओनली, ठीक है। या फिर इस 15 को तुम लिख लो 45 माइनस 15, या 60 माइनस 45, एंड सो ऑन। ये करा चुका हूं मैं, डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, क्या आती है हमारी, बस माइनस 1 की जगह क्या होता है, प्लस 1 होता है, तो दिस विल बी रिजल्टेंट विल बी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2, क्लियर है यहां तक, ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है, टिप्स पे रखना वैल्यू। और लास्टली इसमें हमें याद रखना है टेन ऑफ 15 डिग्री क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 का जब ये डिवाइड करूंगा दोनों को, तो क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रैशनलाइज करने के बाद क्या आता है 2 माइनस √3, ये हमने ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है। और लास्टली इसमें 15 डिग्री में cot 15 डिग्री और याद रख लो, दिस विल बी इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 माइनस √3, रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा 1 2 प्लस √3।
तो ये हो गए हमारी 15 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों? 15 साइन 15, कॉस 15, टेन 15, कॉट 15, एकदम चारों टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और मैंने क्या बोला था, 15 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में भी याद रखना। 15 डिग्री का होता है 30 डिग्री का हाफ, 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है, तो दिस इज पाई बाय 12, ये भी हमने उधर लिखवाया था। अब 75 डिग्री के लिए क्या करें, अलग से नहीं लिखेंगे, अलग से हम अलग से नहीं ड्राइव करेंगे, इसी में करते जाएंगे बस। क्या करें, अब साइन 15 को लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ 90 माइनस 75, फिर वो हो जाएगा कॉस 75, तो ये कॉस 75 की वैल्यू हो गई, ठीक है? सिमिलरली कॉस 15 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस 75 विच विल बी साइन 75, तो ये हमारी साइन 75 की हो गई, ठीक है? सिमिलरली टेन ऑफ 15 क्या होगा, टेन ऑफ 90 माइनस 75 विच इज कॉट 75, तो ये हो गई कॉट 75। और लास्टली कॉट ऑफ 15 को लिख सकता हूं कॉट ऑफ 90 माइनस 75 विच इज 1075, तो ये हो गया हमारा 1075। तो यहां तक के डिस्कशन में हमारा 15 और 17 डिग्री कवर हो गई, सॉरी 15 एंड 75 डिग्री कवर हो गई। और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने, चारों, ऐसा नहीं कि हम 10 15 उधर की उधर ड्राइव कर लेंगे, नहीं, ड्राइव करने का समय नहीं मिलता है एग्जाम में, यू हैव टू मग अप ऑल दीज फोर वैल्यूज, ठीक है ना? साइन 15 कॉस, हाँ 75 डिग्री के लिए एक मिनट के लिए बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम उधर कर लेंगे 90 माइनस थीटा का यूज करके, बट मैंने बोला साइन कॉस 10 कॉट, ये चारों का 15 डिग्री 15 डिग्री एकदम टिप्स पे होना चाहिए एकदम, ठीक है ना? नींद में भी कोई पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू टेल रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है ना? 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ये चार वैल्यू याद रखनी है, ठीक है? चलो अब हम आते हैं नए एंगल्स पे, जो अब हम अभी तक हमें नहीं पता, आई होप शायद पता नहीं फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा या नहीं, बट अभी हम देखने वाले हैं, दैट इज 18 डिग्री, 18 और 36 डिग्री, ठीक है? 18 और 36 डिग्री अब हम देखने वाले हैं। देखो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन 18 से, इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या याद रखना है, इससे पहले वाले मैंने वो चारों बोला है, ठीक है ना? बट इसमें मैं चारों याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे 1836 बोला ना मैंने, तो कहने का मतलब 18 जैसे साइन 18 याद रखेंगे, बट कॉस 18 याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड, ठीक है? कभी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, अगर इन केस गलती से पूछ भी लिया तो यू शुड बी एबल टू ड्राइव देन एंड देयर, याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारी मेमोरी भी लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ याद करते जाए, ठीक है ना? क्योंकि फिर एट द एंड रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए कि हम इतना याद रखें सफिशियंट हो, ठीक है ना? ना ज्यादा याद रखना पड़े ना कम भी नहीं, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो अब आते हैं हम साइन ऑफ 18 डिग्री पे, साइन ऑफ 18 डिग्री। चलो वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग सोचो कैसे निकालें, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरह, बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, मैंने बोला 5 थीटा 90 के बराबर ले लिया, लेट, तो इधर से मेरा थीटा कितना हो गया 18 डिग्री, क्लियर है? 5 थीटा 90 है, तो 90 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, थीटा 18 डिग्री। अब देखना 5 थीटा को मैंने दो एंगल्स में ब्रेक किया, दो एंगल्स में ब्रेक किया, और ऐसे एंगल में ब्रेक करूंगा जिनका मैं साइन ऑलरेडी जानता हूं, साइन और कोसाइन, तो डेफिनेटली साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, वो मुझे पता है, तो आई विल ब्रेक दिस इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा को मैं उधर लेके गया, तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, क्लियर है? अब मैंने दोनों साइड साइन ले लिया, दो एंगल्स बराबर है तो उनका साइन भी बराबर होगा, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा वी नो इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रीवियस लेक्चर में देखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस 3 थीटा। चलो फायदा लिखते हैं, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, क्या होता था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मैंने बोला था याद रखना ही 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब क्या करें, दिख रहा है एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इधर इधर वाले इधर लिखता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू एक कॉस थीटा कैंसिल हुआ, ये और इसका ये पावर 2 बचेगा, ठीक है? तो इधर बचा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू इधर से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, यहां तक क्लियर है? अब देखना, अब मैंने बोला कैसे करें हम सवाल, तो क्या करें हम, देखो क्या हम इस क्वाड्रेटिक, इसको जो अभी दिए इक्वेशन उसको हम साइन में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टू साइन थीटा इज इक्वल टू फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, तो ये हो गया मेरा टू साइन थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री। अब देखो ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। अब हम कैसे, चलो पहले टर्म्स को पूरा तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो इस वाले को इधर लेके आया, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, और इधर हो जाएगा फोर माइनस थ्री वन, और उधर आके माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो देखो अब कर रहा हूं मैं, देखना साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज फोर माइनस फोर ए सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फोर फोर सिक्सटीन अपॉन टू ए, तो एट। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या आ रहा है, अब मैंने माइनस टू प्लस माइनस, इधर से फोर कॉमन लूंगा तो बाहर टू बन के आएगा, ऐसे लिख लो नहीं तो टू रूट फाइव बचेगा। अंदर भेज के देख लो, टू को अंदर भेजोगे तो फोर बन के जाएगा, तो फोर फाइव ट्वेंटी, फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी, मतलब करेक्ट लिखा है। और नीचे मेरा लिखा है टू इंटू फोर, ऐसे करके लिख लिया, तो टू टू कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, दो वैल्यू मिली, देखना ध्यान से, दो वैल्यू मिली, बट उसमें से हम एक रिजेक्ट करेंगे, देखना कैसे। एक तो मिला माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय फोर, और एक मिला माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय फोर, ये दोनों मिला। बताओ कौन सा होगा, सोचो, मतलब तुम लोग वीडियो पॉज करके कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है कि दोनों चलेगा? नहीं, दोनों तो नहीं चलेगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? दिस इज नेगेटिव ना, दिस इज पॉजिटिव। अब मुझे पता है कि जो साइन थीटा निकाला मैंने, थीटा मेरा क्या है 18 डिग्री, 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो इधर से क्या मिला हमें, ये वाली वैल्यू मिल गई। तो फाइनली वी आर गेटिंग साइन 18 डिग्री, इधर लिख लेते टॉप पे, चलो साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। अब से हमारे लिए ये भी एक स्टैंडर्ड हो गया, साइन 18 डिग्री, ठीक है, बॉक्स में बनाया, मतलब इसको याद रखना है, पांच बार वीडियो पॉज करके एक बार इसको रटो, रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया कैसे किया? अगर कहीं भी कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है एक बार रिमाइंड करो, वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके कॉपी करो इसको। तो अब हमारा आ गया रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब मैंने बोला cos 18 डिग्री विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड, उसको याद नहीं रखना, बट अभी डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है ना, डेरिवेशन करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चंस में ये जरूर बहुत यूज होगा, 15 cos 18 नहीं होगा, ठीक है ना, ट्रस्ट में, याद नहीं रखना, बिकॉज और बल्कि आएगा, इधर तो फिर भी थोड़ा सा बल्कि है, उधर और बल्कि आएगा, मेमोराइज नहीं करना हमें, बट फिर भी हम क्या बोला, डेरिवेशन करेंगे। तो अब मेरा टारगेट क्या है, cos ऑफ 18 डिग्री निकालना। तो कैसे निकाले, चलो पॉज करके सोचो, अब मैं बता रहा हूं। तो देखो cos 18 डिग्री को sin 18 की मदद से निकाल सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ऐसे देखो, ऐसे लिखा है, जैसे cos स्क्वायर 18 प्लस sin स्क्वायर 18 इक्वल्स टू 1। तो इधर से मैं cos स्क्वायर 18 डिग्री क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री, तो इधर से cos 18 क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब मैं बोल, डेफिनेटली हम माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस ही लेंगे, व्हाई, बिकॉज 18 डिग्री है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस शुड बी पॉजिटिव, सो बस इसमें रख दो वो साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो इसको लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस और रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो इसको अंडर रूट पूरे पे है ये, तो ये हो गया 16, चलो एक लिख लेते हैं 1 माइनस, पहले इसको 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5 होल अपॉन 16, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 6 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ, देखो 10 प्लस 16 माइनस 6 10 और माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 5 इज प्लस 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 अपॉन रूट 16 आएगा, उसको बाहर लेके 4 लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर
cos 18 डिग्री। मैं इधर लिख रहा हूं बट इसको हमें याद नहीं करना है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 18 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, याद करना नहीं है बट डेरिवेशन मैंने बताया। वर्स्ट केस अगर आ जाता है, वैसे 99.9% नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, अगर आ भी जाता है तो हम ऐसे ड्राइव करेंगे उधर, दिमाग में देखें ये फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसको हमने मेमोराइज किया साइन 18 को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल, दैट इज, अच्छा देखो इसको एक चीज और, इसको 90 माइनस थीटा करके भी लिख लो, भले लिखना है तो इसको, इफ यू वॉन्ट टू राइट, मैं इसको बिठा दे रहा हूं। मैंने बोला साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 विच विल बी कॉस 72, सो दिस विल फर्दर बी इक्वल्स टू कॉस 72, सिमिलरली दिस विल बी साइन 72, साइन 72, ये तो ड्राइव हो जाएंगे 90 माइनस थीटा से, हमें मेन तो इनका वैल्यू से मतलब था, ठीक है। चलो तो हमारे 18 डिग्री हो गए, अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब 36 डिग्री के लिए क्या करें, तो देखो पहले अपन कॉस की बात कर लेते, इसमें कॉस याद रखना पड़ेगा, इसमें कॉस याद रखना पड़ेगा, तो देखो या फिर एक काम करो पहले चलो कॉस की निकालते, कॉस 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कॉस 36 निकालना है, और कीपिंग इन माइंड कि मुझे इसका हाफ पता है, मतलब कॉस थीटा, अगर मान लो ये कॉस 2 थीटा है, ऐसे सोचो कॉस 2 थीटा है, तो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा पता है, तो अगर मैंने इसको 2 थीटा बोला तो दिस इज माई साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। और चलो मैंने बोला कि ये तो हम वैसे भी याद रखते नहीं है, मतलब मैंने बोला रखना नहीं है, तो साइन के टर्म्स में कैसे लिखूं इसको कॉस 2 थीटा को, तो कल बताया था क्या फॉर्मूला था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले में अपन इस फॉर्मूले में थीटा को 18 डिग्री रख देते हैं, तो देखो आरएचएस क्या बनेगा कॉस 36, तो ये हो गया कॉस 36 इज इक्वल टू 1 - 2, इधर हो गया साइन स्क्वायर 18, और साइन स्क्वायर 18 उधर से उठा के इधर रख दो, तो 1 - 2 ऑफ रूट 5 - 1/4 का स्क्वायर। अच्छा चलो ये क्या आ गया अपना, तो ये हो गया चलो 1 सेकेंड साइन थीटा करेक्ट है, तो 1 - 2 × 5 + 1 = 6 - 2√5 / 16, ठीक है एक मिनट। चलो तो ये 6, ये 2 गया और ये 8 गया, तो ये हमारा बचा 8 - 6 + 2√5 / 8, तो फर्दर दिस इज इक्वल टू 2 + 2√5/8, एंड लास्टली इधर लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली कॉस 36, कॉस ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 2, एक और कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे हम, इसलिए मैंने बोला स्टैंडर्ड है। अब देखो सिमिलैरिटी है ना, उधर √5 - 1 था, इधर √5 + 1 है, क्लियर हुआ बच्चों कॉस 36, लाइन ऑफ थिंकिंग समझना, हमने स्टार्ट कैसे किया, वैल्यू निकालना ठीक है वो एक अलग बात है, हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने स्टार्ट कैसे किया कि 36 हमारे पास हमें निकालना है, और इसका हाफ एंगल पता है हमें, उसका साइन और कोसाइन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो मैंने क्या यूज किया 1 - 2 sin²θ, इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते थे क्या 2 cos²θ - 1, बट उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू रखनी पड़ती, रख के देखना आंसर सेम आएगा, बट मैं इसलिए नहीं बोला वो क्योंकि वो बहुत बल्कि है, वो वैसे भी याद नहीं रखना है हमें, इसलिए मैंने इधर ये वाला फॉर्मूला यूज किया साइन वाला किया। आई होप समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा इसको हम साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं 90 - 36 कितना हो गया हमारा 54, ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 54, तो मैं इसलिए तो मैं लिखवा रहा हूं ये 72 54, तो जैसे कभी एकदम मान लो कोई क्वेश्चन आया, जैसे आज भी हम करेंगे क्वेश्चन, तो 72 देख के तुम्हारा एकदम विचलित नहीं होना चाहिए, ये तो अननोन एंगल है, नहीं 72 मतलब बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए 18 डिग्री, 72 मतलब 18 ऐसा मान लो, मतलब ये नहीं बोला बराबर है, कहने का मतलब बैक ऑफ माइंड 72 है आया तो बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए इसका 18 से रिलेशन, ये तो 18 के अगर 18 की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, लाइक दैट वे यू हैव टू मेमोराइज, इसलिए मैंने 54 कहा। तो अब से 54 72 ये सब हमारे लिए स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी में जंप करेंगे अब हमारे लिए, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं नेक्स्ट, तो हमारा अब हम निकालते हैं साइन 36, अगेन साइन 36 याद नहीं रखना है,
वो बट हम डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट याद नहीं रखना है, इसको कॉपी कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। डेरिवेशन याद रख लेना लेकिन वैल्यू याद नहीं रखना। डेरिवेशन भी क्या याद रखना, एक ही लाइन का, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, साइन 18 से कॉस 18 कैसे गए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिमिलर इधर जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस आता है लेकिन 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, बट ये इधर रख देना हमें, तो चलो पूरा करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर, इसमें और इसमें सिमेट्री आएगी, देखना भी इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट ऑफ ये हो गया 16, चलो 16 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 16, दिस 16 माइनस 6 इज 10, तो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 4, तो देखो सिमेट्री आई ना, अच्छा 18 है इधर, 18 था कि 10 था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, मैंने बोला ना मैं वैसे भी याद नहीं रखता इसका डेरिवेशन, 18 था या 10 था एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वो 10 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज उधर थी ना, इधर हमारे साइन स्क्वायर 18 लिखा था हमने, तो इधर रूट 5 माइनस 1 का आया था, तो होगा तो 16 माइनस 6 10 ही होगा, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, दिस शुड बी 10, तो अब हमारा वैल्यू क्या आ गया, साइन 36, साइन ऑफ 36 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, अगेन साइन 36 को क्या लिखूंगा, कॉस 54, तो अब देखो मैं बॉक्स में कौन कौन से बना रहा हूं, ये वाला और पहला वाला, ये दोनों लिख लो उधर प्रॉपरली, मेमोराइज दीज टू, मेमोराइज दीज टू, और उन दोनों में से अगर कोई आता है तो हम देन एंड देयर वी विल ड्राइव, उधर की उधर हम ड्राइव करेंगे एग्जाम में, हम अलग से याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखना भी आसान है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो डबल अंडर रूट हो गया ना, बाकी दो में तो क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छा चलो तो हम नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, 7.5 डिग्री, अगेन 7.5 डिग्री में डेरिवेशन बता रहा हूं, बट याद बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे आप एक बार कर लोगे डेरिवेशन, तो जैसे अगर मान लो 7.5 का जैसे मैंने कराया, या फिर फॉर एग्जांपल यही जो करा रहा हूं, इससे क्या होगा ना, ऐसे एंगल तो कोई भी कुछ भी बना के दे सकता है ना, तो एक बार अगर तुम्हारा जम गया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तरीका, हाँ भाई हमें ये फॉर्मूले इस टाइप से यूज करने हैं, तो इनके अलावा भी कोई एंगल आ गया तो यू शुड बी एबल टू ड्राइव, इसीलिए मैं तुम लोग को उस टाइप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, बाकी मेमोराइज करने के लिए तो जो मैंने ये दोनों लगाए, ये दोनों काफी है, इन दोनों का डेरिवेशन काफी था, बट ये भी मैंने बताया, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम आते हैं 7.5 डिग्री पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो, अच्छा अब खुद सोचो, सोचना चालू कर दो कि 7.5 डिग्री का कैसे स्टार्ट करें, कीपिंग दैट इन माइंड कि उसका डबल मुझे पता है, उसका डबल 15 डिग्री होता है 7.5 डिग्री का, और डबल मुझे पता है 15 डिग्री, तो आज ही हमने स्टार्ट किया था क्लास, उस वक्त देखा था और पहले भी हम देख चुके, इवन फिजिक्स में भी तुम देख चुके 15 डिग्री, तो अब मैंने बोला 7.5 डिग्री की बात चल रही है, इसमें भी केवल हम टेन और कॉट की बात कर रहे हैं, केवल और केवल और केवल टेन और कॉट की, टेन और कॉट, मतलब कहने का मतलब फाइनली इधर मैं ऐसे लिखने वाला हूं, टेन ऑफ 7.5 डिग्री और कॉट ऑफ 7.5 डिग्री, दिस यू हैव टू डू, बाकी मैंने बोल क्या बोला कि साइन कॉस कभी निकाल लेंगे, एक बार डेरिवेशन क्लियर हो गया किसी भी एक का, बाकी अपने आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने हिंट कैसे दिया कि लेट्स से ये थीटा है, एक मिनट के लिए, तो 2 थीटा क्या हो गया मेरा, 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, अब 2 थीटा तो मुझे पता है, अब क्या करें हम, मुझे 10 थीटा निकालना है, मुझे 2 थीटा 15 डिग्री किस किस का पता है, देखो 10 का भी पता है वैसे तो, 10 से भी निकाल लोगे या फिर साइन कॉस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस विद अस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कल की क्लास में याद करो, जब हमने सारे क्वेश्चन फॉर्मूले देख लिए थे, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कुछ क्वेश्चन से, तो मैंने ऐसे लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, याद है पहला प्रूफ, और मैं सॉरी sin 2 थीटा, और मैंने बोला था इसको मेमोराइज करना है, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा, इसको भी एज अ फॉर्मूला मेमोराइज करना है, ठीक है। कैसे, देखो कैसे आया ये,
सिंप्लीफाई कर लो ना, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो 10 थीटा आ गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने बोला ये फॉर्मूले से अब हम एक 10 7 7.5 डिग्री एक मिनट में, एक सेकंड में निकाल लेंगे, सेकंड तो नहीं बोलूंगा हालांकि बहुत जल्दी निकाल लेंगे। मैंने बोला इस ये थीटा मैंने इसमें रख दिया, तो क्या आएगा, 10 ऑफ 7.5 डिग्री। वैसे मैंने बोला इसका और भी तरीके हैं, मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, बट सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं ये अभी वाला, 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, बस हो गया हमारा। इसके बाद तो कर लेंगे हम कॉस 15, पता है रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, दिस इज रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। तो अब तुम लोग निकाल के इसकी वैल्यू, मैंने डेरिवेशन बता दिया, वो तुम इधर लिख लेना, अगेन डोंट मेक इट इन बॉक्स, वी डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला ये तो एक तरीका, दिस इज मेथड वन, और कैसे कर सकते थे। मैंने बोला 2 थीटा 15 डिग्री है, अब मैं डायरेक्टली 10 थीटा भी यूज कर सकता हूं। मैंने बोला tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो, अब मैंने इधर थीटा को 7.5 डिग्री रख दिया, दिस इज मेथड टू। तो देखो इधर तो 10 15 डिग्री आएगा, विच इज रूट 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस रूट 3, वेट 2 माइनस रूट 3, दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस टर्म को इधर लेके जाओ, मेक क्वाड्रेटिक इन 10 थीटा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10 थीटा, और 10 थीटा क्या मतलब 10 ऑफ 7.5 डिग्री। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं हम, अच्छा ये चीज इसके बराबर भी होती है, ठीक है ना, दिस इज साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा विच इज साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, सो ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा अब मैंने बोला अब ये तो हो गया 7 cot 10 ऑफ 7.5 के भाई, अब cot के लिए, तो cot के लिए तो कुछ भी नहीं, 10 को उल्टा कर दो, 10 को उल्टा कर दो, मतलब कहने का मतलब इसी को मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन 2 थीटा, मैं क्या लिख रहा हूं, cot थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको भी फिर मैं एक और कैसे लिख सकता हूं, इसको अपोजिट इधर लिखो, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो इसमें तुम लग दो 7.5 डिग्री, तो तुम्हारा वो आ जाएगा, क्लियर हुआ। नहीं तो सिंपल तरीका, 10 थीटा आ गया, cot थीटा निकालना, तो जो भी आंसर आएगा ना तुम्हारा 10 थीटा का, उसका रेसिप्रो कर दे, दैट्स इट, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ। अच्छा, और मैंने यार क्या बोला है, डोंट मेमोराइज द रिजल्ट, ठीक है ना, डोंट मेमोराइज इट। और आखिरी में अभी कराऊंगा तो मैं लिस्ट बनाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है ना। वैसे तो हम बनाते जा रहे हैं ई बॉक्स में, बट फिर भी एक बार लिखवाऊंगा आखिरी में, क्लियर हुआ बच्चों। चलो तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है ना, एंड दैट इज 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। उसमें भी हम केवल और केवल tan और cot की बात करेंगे, sin cos की जरूरत नहीं है, बात कर लेंगे डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें हम याद रखेंगे 7.5 डिग्री, तो मैंने नहीं बोला याद करने को, बट 22.5 डिग्री यू शुड मेमोराइज, मतलब हमारा फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है, tan ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग आएगा, cot ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग आएगा, चलो लिख लेते हैं, समथिंग क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 प्लस 1, ऐसा आएगा कुछ, तो ऐसा आएगा कुछ, तो मतलब आएगा ऐसा, ठीक है। तो अगेन वही सेम थॉट प्रोसेस जो अभी हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में किया ना, कि 10 ऑफ 22.5 डिग्री है, इसका डबल मुझे पता है, तो क्या यूज करूं, 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और इसका तो डबल का मतलब, इसका डबल जो एंगल है विच इज 45, बहुत आसान एंगल है, उसका तो साइन कोसाइन वगैरह सब कुछ पता है मुझे, तो डेफिनेटली आई विल यूज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, अभी जो रिसेंटली फॉर्मूला यूज किया, या फिर वो वाला भी यूज कर सकते हो, कौन सा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोथ यू कैन यूज, दोनों में थीटा क्या रखो तुम, 22.5 रखो बस, इधर क्या होगा, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर उसमें नेगेटिव वाली हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज जो 22.5 डिग्री है दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, तो ऐसे कर लोगे, बट दिस इज सिंपलर एज कंपेयर टू दिस वन, इसमें तो क्वाड्रेटिक वगैरह से डील करना है, तो आई यूज दिस वन, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कर सकते हो इससे भी। चलो
तो इसमें मैंने रखा इस वाली इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू 22 एंड हाफ डिग्री रखा, तो इधर आ गया टेन ऑफ 22 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45। बहुत ही एक ही झटके में हो गया, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2, तो दिस इज नथिंग बट रूट 2 माइनस 1, तो वही तो लिखा हुआ है। कितना आसानी से आ गया इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक बनाते थोड़ा सा दिक्कत आता, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला याद रखना आपसे, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ये आ गया। अब 10 लास्ट एंगल, 10 10 तो हो गया हमारा, अब cot cot 22 एंड हाफ डिग्री, तो क्या करें हम, cot 22 एंड हाफ, तो कुछ नहीं 10 का उल्टा कर दो, एक बार रेशनलाइज कर दो तो आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, मैंने कहा दिस इज 1 अपॉन 10 ऑफ 22 एंड हाफ डिग्री विच इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, रेशनलाइज किया रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1, तो दिस इज फाइनली रूट 2 प्लस 1, दैट्स इट। तो इनकी वैल्यू याद रखनी है, मतलब रखनी है, और एक और चीज याद रखनी, 22 एंड हाफ डिग्री को इन रेडियन दिमाग में बिठाना है, पाई बाय 4 का आधा मतलब पाई बाय 8, ये चीज भी याद रखनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से उधर लिख लेना, मैंने शायद लिखा नहीं, साइन 18 डिग्री को इट इज पाई बाय 10, 180 का 10th पार्ट है ना, और सिमिलरली कॉस 36 डिग्री, 36 इज पाई बाय 5, इसका डबल। उधर नहीं मेंशन किया था रेडियन में शायद मैंने, यू शुड मेंशन इट नाउ, अभी याद आया तो मैंने अभी बोल दिया, ठीक है, इसको लिखना है जहां हमने साइन 18 और कॉस 36 लिखे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। अब मान लो कोई अगला कोई एंगल आता है हमारे लिए, तो आज की नॉलेज इज सफिशियंट टू ड्राइव अगर एग्जाम में कोई एंगल आता है तो, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार लिस्ट कर लेते हैं, तुम लोग भी वीडियो पॉज करके एक बार विदाउट पीछे देखे वैल्यूज लिखो, जो जो हमने एंगल्स पढ़े, जो जो मैंने बॉक्स में बताए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको मेमोराइज रखने हैं, मैं एक बार लिस्ट कर रहा हूं इधर, ठीक है, एक साथ, सो दैट हमारे पास एक साथ रहेगा। तो स्टार्टिंग विद साइन 15 डिग्री रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, कॉस 15 डिग्री विच इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, टेन ऑफ 15 डिग्री विच इज 2 माइनस रूट 3, cot of 15 degree which is 2 plus root 3, फिर उसके बाद हम आए थे 18 degree पे, sin of 18 degree ये याद रखना है which is root 5 minus 1 by 4, cos 18 degree, sorry 18 नहीं 36, cos 36 degree is root 5 plus 1 by 4, मैं वो सब नहीं लिख रहा हूं जो याद नहीं रखना है, हाँ derivation याद रखना है बस, values इन्हीं angles की याद रखनी है, उसके बाद half angle का भी नहीं रखना, फिर अब सीधा 10 of 22 एंड हाफ ये याद रखना है, एंड दिस इज रूट 2 माइनस 1 cot ऑफ 22 एंड हाफ विच इज रूट 2 प्लस 1, इतना पार्ट तुम लोगों को एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, क्लियर हुआ। चलो तो पॉज करो एक बार, तुम भी एक पेज पे लिख लो, ठीक है ना, इतनी वैल्यू एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, तो मैं स्कोर अप कर देता हूं। साइन 18 बहुत जगह यूज होगा, साइन 18 कॉस 36, ठीक है ना, रूट 5 माइनस 1 बाय 4 रूट 5 प्लस 1 बाय 4 एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलो अब मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ऑफ 12 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 84 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 108 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 132 डिग्री, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, तो देखो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत है, जैसे इन दोनों को 12 डिग्री एक है, मैं एक बार देख लेता हूं 12 डिग्री है, ठीक है, मैंने बोला ऑप्शन तो हमारे पास बहुत है कि जैसे मैं इन दोनों कॉस को ऐड कर लूं या इन दोनों को कर लूं या इसको कर लूं, वो चूज करना मेन है। और चूज भी हम कैसे करेंगे कि उनको ऐड करने पे जो एंगल्स आते हैं वो हमें नोन होना चाहिए, दिस इज अवर थॉट प्रोसेस। तो कहने का मतलब अब मैंने क्या किया, लेट से मैंने अगर मान लो एक मिनट माइंड में मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने मान लो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या आएगा, cos c plus cos d से 2 cos c plus d by 2 और c minus d by 2, मतलब क्या आता है बेसिक एंगल्स का सम का सम by 2 आता है और डिफरेंस by 2 आता है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा 84 plus 12 86 96, तो एक तो आएगा 96 by 2, तो 96 by 2 is 40 96 वहां 48 which is known angle,
तो इसका मतलब इन दोनों को क्लब नहीं कर रहा है। फिर आते हैं 12 और 108 डिग्री को। अब मैंने बोला 12 प्लस 108 तो मेरा हो गया 120, वो तो नोन है तो हो जाएगा क्लब, बट डिफरेंस भी देखना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो 108 माइनस 12 106, 106 माइनस 10 96, तो अगेन 96 इज अननोन, तो फिर नहीं करेंगे। अब मैंने लास्टली इन दोनों पे आता हूं, एक एक करके आ रहे हैं हमारे। अब इन दोनों पे आया, ऐड करो 132 प्लस 12 136 144 एक तो आएगा 144/2 और एक आएगा इन दोनों का डिफरेंस 130 माइनस 12 120/2। ये एंगल तो ऑफकोर्स पता है, पहले से पता है, 9 10 से पता है, और ये अब से हम जानने लगे क्या है बेसिकली ये 1 टाइम 72। अब मैंने बोला था 72 आ जाए तो हमारे दिमाग में मतलब वो 18 डिग्री टाइप की चीज क्लिक करनी चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को क्लब करेंगे। अब ऑटोमेटिक तुम देखो इन दोनों का भी एडिशन और डिफरेंस जो होगा ना बाय टू करके, दैट हैज टू बी नोन एंगल अगर ये सॉल्वेबल है क्वेश्चन। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे कैसे हमने, मैंने बोला तुम लोगों को हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अगर बार मैं बोलता हूं। तो चलो करते हैं फाइनली। तो मैंने इसको और इसको क्लब किया, तो 2 cos c + d / 2, तो अभी देखा इन दोनों का एडिशन इज 144 / 2 इज 72 cos ऑफ दिस माइनस दिस / 2, तो कितना आ जाएगा 132 में से 12 का 120 / 2 इज 60 प्लस। अब इन दोनों को क्लब किया तो 2 cos सम बाय टू, तो एक बार अलग से कर लेते हैं 108 प्लस 84 तो 1291, इसका आधा 96 एक बार देख लेते हैं 96 आ रहा है क्या, चलो देखते हैं एक बार। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 108 माइनस 84 तो 424/2 12 cos 12। ये तो अननोन एंगल आ गए हैं, एक मिनट होल्ड ऑन एक सेकंड, मैं एंगल्स देख लेता हूं एक बार मैंने सही लिखा है या नहीं, लेट मी चेक इट आउट। नहीं नहीं ये एंगल गलत लिख दिया है, वेट अ मिनट थोड़ा एंगल की गड़बड़ हो गई क्वेश्चंस कॉपी करने में, मैं अब कर रहा हूं इसको ठीक है, आई विल स्टार्ट इट अगेन। एंगल्स मैंने गलत लिख लिए, cos 12 cos 84 ये सही है, cos 156 था ये, दिस इज 156 वही मैंने बोला गलत क्यों आ रहा है ठीक है ना, मैंने बोला था आना चाहिए ऐसा एंगल की डिफरेंस उसका बाय टू का सम बाय टू नोन एंगल आना चाहिए, इट इज 156। अब करो तो मैंने फालतू का वो पहला पार्ट ड्रॉप किया ये दोनों, तो चलो वैसे बताया हमने क्या किया था 2 cos दिस प्लस दिस बाय टू से क्या आ गया हमारा 72 दिस माइनस दिस बाय टू से cos 60 प्लस 2 cos। अब दोनों का एडिशन करो तो 156 प्लस 84 तो 1 0 1 4 240 और इसका आधा 120 तो cos 120 इनटू cos ऑफ इन दोनों का डिफरेंस तो 156 माइनस 84 तो 6 माइनस 4 2 4 14 माइनस 8 एक मिनट फिर कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट दोबारा 156 में से 84 गए तो 56 प्लस 6 62 प्लस 10 72 तो 72 बाय 2 36 देखो ये आ रहा है। अब देखो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अब हमारे मजे हो गए, मजे हो गए मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो cos 72 इज sin 18 तो चलो प्रॉपर लिख लेते 2 sin 18 cos 60 इज हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ cos 120 याद भी रखने को बोला वैसे मैंने तुमको 2π/3 माइनस हाफ होता है नहीं तो क्या लिखेंगे पाई माइनस 60 और cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos 60 तो ये 2 इंटू दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज cos 36 क्लियर है। चलो ये 2 से ये 2 कैंसिल ये 2 से ये 2 कैंसिल तो फाइनली आंसर इज sin 18 माइनस cos 36 डिग्री ठीक है। अब sin 18 भी पता है रूट 5 माइनस 1/4 माइनस और इधर आएगा रूट 5 प्लस 1/4 तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2/4 विच इज माइनस हाफ तो दिस वैल्यू इज माइनस हाफ क्लियर हुआ। स्टार्टिंग क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट थी ठीक है ना विच टर्म्स टू क्लब कौन से करने जिनका डिफरेंस बाय टू और सम बाय टू नोन एंगल आ जाए कीपिंग दैट इन माइंड लिख भी लो अपने लैंग्वेज में उधर इंग्लिश हिंदी मराठी वॉट एवर चाइनीज भी लिख सकते हो ठीक है। क्या लिखोगे कौन से टर्म को क्लब कर रहे हैं कि सम बाय टू और डिफरेंस बाय टू शुड कम आउट टू बी अ नोन एंगल
नॉन एंगल मतलब जो 9th 10th में पढ़े थे वो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आज की क्लास में जो पढ़े कम से कम वो तो आ ही जाए। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, इसको रब कर देते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट इज चलो एक सिंपल सा है, वैल्यू प्लग करना है तुम्हें, कॉस 36 डिग्री ये खुद से करो, 72 डिग्री कॉस 108 डिग्री कॉस 144 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और सारे एंगल्स नो नहीं है, इधर ध्यान से देखोगे तो नो नहीं है, 36 और 72 तो आसानी से दिख रहा है, कॉस 72 इज साइन 18, तो ये कॉस 36 ये हो गया साइन 18 इंटू, ये एंगल नोन है क्या, 90 करके लिखो ना, 90 प्लस 18 कॉस ऑफ 90 प्लस 18 इज साइन 8 माइनस ना साइन 18 तो माइनस साइन 18, और कॉस 144 को पाई माइनस 36 तो माइनस कॉस 36, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया साइन 18 इंटू कॉस 18 कॉस 36 सॉरी इसका स्क्वायर, बट दिस इज द आंसर, दिस इज रूट 5 माइनस 1/4 और ये लिखा है रूट 5 प्लस 1/4 इसका स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, 5 माइनस 1 4 और नीचे हो गया 16 इसका स्क्वायर विच इज 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो फाइनली दिस आंसर इज 1/16। ये क्वेश्चन इसलिए दिया था बस वैल्यू तुम लोग याद रखो, मतलब याद है या नहीं वो तुम अपने आप से जस्टिफाई कर सकते हो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली मतलब तुम्हें वैल्यूज याद है, याद हो गई मतलब। ठीक है, तो ऐसा कोई दमदार नहीं था ये क्वेश्चन में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, मैंने बोला टेन ऑफ, चलो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टेन ऑफ पाई बाय 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, यू हैव टू प्रूव दिस कि टेन ऑफ पाई बाय 16 ये आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, तो 10 पाई बाय 16 मतलब क्या हो गया, ये नॉन एंगल है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो नॉन एंगल, पाई बाय 8 नॉन एंगल होता है, पाई बाय 8 क्या होता है 22.5 डिग्री, तो अगेन 2 थीटा वाला चीज यूज करता हूं मैं, कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, अब देखो इधर, अब देखना जैसे अभी तक हमने 10 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब कोई बोलेगा सर साइन कॉस वाला भी तो लगा सकते हो, तो देखो साइन कॉस वाले में दिक्कत क्या होगी, मान लो तुमने इसे, हमने इससे पहले जो किया था उसमें टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन 2 थीटा लगाया था, अब मैंने बोला इधर अगर थीटा को मैंने थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 16 डाल दिया, एक मिनट के लिए मैं अभी इसकी हेल्प लेने वाला हूं, एट प्रेजेंट मैं इसकी हेल्प लेने वाला हूं, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस वो मैं रीजन बता रहा हूं, पाई बाय 16 ले लिया तो इधर कॉस 22.5 डिग्री जरूरत पड़ेगी, बट जो मैंने मेमोराइज करने को बोला था उसमें मैंने केवल टेन और कॉट को याद करने को बोला था, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर तुमने याद कर रहे हो तुम तो ठीक है तुम ये यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल यूज दिस बिकॉज मैंने मुझे टेन 22.5 डिग्री याद रहती है, साइन 22.5 डिग्री और कॉस 22.5 डिग्री मैं याद नहीं रखता हूं बिल्कुल, एग्जाम में कभी डायरेक्टली नहीं पूछा उससे रिलेटेड। ठीक है, और तुम लोगों को भी याद नहीं रखना है, तो बस अभी इधर क्या रख देते हैं, अभी इधर थीटा इज इक्वल टू हम पाई बाय 16 रख देते हैं, चलो रखो, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, मतलब 2 टेन पाई बाय 16 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 16, मतलब इधर लेके जाओ टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओ, करते हैं इसको, चलो पूरा करते हैं इसको, तो मैंने बोला 10 रूट 10 पाई बाय 4 पाई बाय 8 कितना बताया था रूट 2 माइनस 1, याद रखना है रूट 2 माइनस 1, इसको इधर लेके गए तो रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 इन टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, सारे टर्म्स को LHS में लेके RHS में लेके जा रहा हूं, तो रूट 2 माइनस 1 इन टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस का रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, अब दिख रहा है क्लियरली ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, लिख लेना ये ठीक रूट टू प्लस 1 ये तो प्रूफ करना है, इसको इधर ही रहने देते हैं रूट टू प्लस 1 है, ठीक है हाँ, तो चलो देखो इधर इसको सॉल्व करूंगा, तो टेन थीटा क्या आएगा मेरा, टेन थीटा इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन से तो बता नहीं पाएंगे इसके रूट, ठीक है ना, वैसे भी दिख रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट आ रहा है, ये ऐसी वैल्यू आएगी कुछ तो, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन से तो नहीं बता पाएंगे, हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो चलो लगाते हैं, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब टू टू फोर माइनस फोर एसी, तो प्लस ये फोर हो जाएगा माइनस के कारण, तो प्लस फोर टाइम्स रूट टू माइनस वन, उधर भी रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू ए, टू टू टाइम्स रूट टू माइनस वन, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैंने बोला अगला स्टेप तो सेपरेट कर देते हैं। अच्छा उससे पहले एक और चीज, अच्छा चलो एक साथ ही करेंगे, तो पहले तो मैं इसको फोर को बाहर ले रहा हूं, इस वाले फोर को, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इस फोर को जब मैं लूंगा बाहर तो टू बन के आएगा बाहर, तो ऐसे लिख रहा हूं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, टू प्लस माइनस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस रूट टू माइनस वन का स्क्वायर होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस वन। अब ये टू टू कैंसिल कर देते हैं, तो ये टू और ये टू कैंसिल, अब टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूं मैं, अब टर्म्स को, तो देख ये क्या बना माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, और ये बना प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करा तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू रूट टू अपॉन रूट टू माइनस वन। अब मैनिपुलेशन है, अब तो कैसे तर्क करके उधर लेके जाना है, अब क्लियरली दिख रहा है ये रूट टू प्लस वन कैसे आएगा, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसको मैंने ऊपर नीचे रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसका भी डिनोमिनेटर गायब करना है, तो इसका मतलब इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो मतलब पूरे को किया अल्टीमेटली रूट टू माइनस वन, सॉरी रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन, क्लियर है। अच्छा तुम लोग कॉपी करो इसको, इतने पार्ट को मैं इधर इधर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है, आई एम रबिंग दिस पार्ट, जस्ट पॉज इट एंड कॉपी इट। हाँ तो मेरा आया ये फाइनली, तो अब देखो यहां से दिख गया ये रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन, टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू माइनस वन वन आएगा, तो ये खत्म वन, ये हो गया माइनस टाइम्स रूट टू प्लस वन, तो देख गया चमक गया ये, तो माइनस टाइम्स रूट टू प्लस वन प्लस माइनस, नीचे वाला भी ये रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन वन हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर देखो एक मिनट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर माइनस टू रूट टू इंटू रूट टू प्लस वन। अब प्लस लू या माइनस लू वो किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो देखो नेगेटिव तो लूंगा नहीं बिकॉज नेगेटिव ले लिया मैंने इधर, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, मुझे पता है टेन ऑफ पाई बाय सिक्सटीन क्या होगा, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ना पाई बाय सिक्सटीन, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, तो देयरफॉर आई एम टेकिंग हियर इट इज पॉजिटिव। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, यही आना चाहिए कायदे से, देखते हैं एक बार पूरा करके देख लेते हैं, कुछ अगर गड़बड़ होगा तो फिर हम देखते हैं जैसा भी होगा। तो देखो ये वाला पार्ट तो आ गया, तो इसको कैरी नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस पार्ट, ये इतना आना चाहिए अंडर रूट ऑफ फोर प्लस टू रूट टू, देख लेते हैं। तो इस रूट टू को मैं अंदर लेके जा रहा हूं स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर बन के बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये अंडर रूट ऑफ फोर माइनस टू रूट टू इंटू रूट टू प्लस वन का स्क्वायर। चलो इसको फर्दर करते हैं, तो फोर माइनस टू रूट टू इंटू टू प्लस वन थ्री प्लस टू रूट टू, ओपन करा तो ट्वेल्व प्लस एट रूट टू माइनस ट्वेल्व रूट टू और माइनस एट, देख लो एक बार, टू टू द फोर, फोर टू द एट, करेक्ट है, इसका अंडर रूट चल रहा है अभी, ठीक है ना, अंडर रूट चल रहा है, तो ट्वेल्व माइनस एट फोर, तो अंडर रूट ऑफ फोर प्लस एट माइनस ट्वेल्व, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक मिनट, फोर थ्री द ट्वेल्व, फोर टू द एट रूट, माइनस सिक्स है ये सिक्स, थ्री टू द सिक्स है ये सिक्स है, तो एट रूट टू माइनस सिक्स रूट टू, टू रूट टू, दैट्स इट, तो आ गया अलग के लिए, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, मतलब अपनी समझ में आया। तो चलो फिर आज के लिए एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, यही, ठीक है ना, और कुछ एंगल्स मैं तुम लोग को ग्रुप सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज की क्लास में बेस्ड है, ठीक है ना, अभी तो मेरे पास नहीं है होमवर्क क्वेश्चंस के लिए कुछ, बट मैं तुम लोगों को डोंट वरी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी, आई विल रिमाइंड यू, डीपीपी आई थिंक 3-4-5 है ना शायद, देख लेना जो भी है, तो कोशिश करना लेक्चर जैसे तुम्हारा कंप्लीट होता है 10 बजे कंप्लीट होगा उसके पहले पहले सेंड कर देना, ठीक है ना, लेक्चर देखने में तो 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, ठीक है ना, 8 से 9, तो 1 घंटे के अंदर 9 से 10 के बीच में तुम मुझे सेंड कर देना, सो दैट फिर मैं तुम लोगों को उसका सॉल्यूशन वगैरह भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, तो हमारा स्मूथ होगा, ज्यादा डिस्कस नहीं भेजोगे तो ज्यादा लंबा खींचेगा डाउट सेशन, और अगर पहले से भेज दोगे तो थोड़ा हमारा स्मूथ जाएगा, ठीक है।
चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।